देख रहे हैं डीजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। नामदेव समाज की बैठक हुई संपन्न, लिए गए विशेष निर्णय। आज एक निजी होटल में नामदेव समाज की जिला इकाई की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें नामदेव विकास परिषद के पदाधिकारी गण और गुना जिले के नामदेव समाज के लोग उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से गुना निवासी हेमंत नामदेव को जिले का नामदेव समाज का अध्यक्ष नियुक्त किया। उनके अध्यक्ष बनाए जाने पर गुना जिले के समस्त नामदेव समाज के लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। आज सब समाज के वरिष्ठ लोगों ने मुझे गुना जिले का नामदेव समाज का अध्यक्ष किया गया है, उसमें सब लोगों की बहुत प्रसन्नता करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि गुना के समाज ने मुझे इस लायक चुना कि मैं समाज की सेवा करने लायक हूँ, और आगे भी मैं समाज में आने वाले समय में नामदेव समाज को आगे की नई राह पे नव लोगों को नई दिशा बता दें। मैं इन लोगों के सहयोग से और मंदिर निर्माण धर्मशाला निर्माण के लिए मैं इन लोगों से सहयोग ले रहा हूँ, और इनने मुझे जो नामदेव समाज का अध्यक्ष बनाया है, और मैं चाहता हूँ मेरी अध्यक्षता में अच्छे से अच्छा समाज के प्रति काम हो और समाज एक नई दिशा पा। बहुत खुशी की बात है कि नामदेव समाज विकास परिषद का युवा प्रकोष्ठ होने के नाते मुझे गुना में आमंत्रित किया गया एक बैठक में। उसमें हमारे आदरणीय छोटे भाई हेमंत नामदेव जी को हमने जिलाध्यक्ष बनाया है, और यहाँ पूरे गुना जिले ही नहीं पूरे प्रदेश में हम एक सामाजिक जो एकता का परिचय दे रहे हैं, पूरी समाज को हमें एक करना है, उस एकीकरण पे हम फोकस करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और पूरे गुना जिले से भी हम यही आशा करेंगे कि पूरा गुना जिला एक होकर के आने वाले समय में सत्ता और संगठन में अपनी भागीदारी निभाएं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं और हमारी समाज को आगे बढ़ने में पूर्ण रूप से सहयोग करें। इसमें खासतौर से युवा जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार पे भी हमने आज चर्चा की कि आने वाले समय में हम उनको समाज के द्वारा रोजगारी मुहैया कराएं। ऑल इंडिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कॉलेज प्रशासन को दिया ज्ञापन। स्टूडेंट और ऑर्गेनाइजेशन ने मांग की है कि नियमित एवं अनियमित छात्रों के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कई छात्र छात्राएं ऐसे भी हैं जिनके नामांकन या तो अपडेट नहीं हुए या नहीं हो पाए हैं। इसी के चलते छात्रों का भविष्य अधर में लटक सकता है। इसी मांग को लेकर आज ऑल इंडिया डीओसी के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा एवं अपनी मांगे पूरी करने की बात भी कही। समस्त छात्रों के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसकी नियमित शुल्क के साथ फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 12 मार्च है, लेकिन अभी तक सैकड़ों छात्रों के नामांकन नंबर जनरेट न होने व अंतिम तिथि के सिर्फ 2 दिन शेष है, और अभी हजारों की संख्या में छात्रों के फॉर्म भरे नहीं हुए हैं। इतने कम समय में हजारों की संख्या में फॉर्म भरवाना छात्रों के लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। ये 12th की मार्कशीट नहीं लगाई है, हाईस्कूल की मार्कशीट लगाई है, जो उनके कारण के नामांकन जनरेट नहीं हो पाए। दूसरी डेट बाय डेट बढ़ रही है, क्योंकि अभी केवल रेगुलर के फॉर्म जनरेट हो पाए हैं, प्राइवेट के फॉर्म आए ही नहीं है, मंडे को आए डेट तो बढ़ना ही है। जिनके नामांकन आ गए वो फॉर्म भरे ना, वो जमा करा। ऑनलाइन भरे हुए हैं, ऑनलाइन की तो मैं बता रहा हूँ, लिंक बहुत से लोग चल रही है। छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ के द्वारा जो नियमित और अनियमित छात्र प्रथम सेमेस्टर के प्रथम ईयर के जो छात्र है उनके परीक्षा फॉर्म भरा रहे हैं, और उसकी अंतिम तिथि 12 तारीख है, लेकिन कई सारे छात्र ऐसे जिनके नामांकन अपडेट नहीं हुए हैं और लास्ट तारीख 12 है, तो ऐसी स्थिति में कई सारे छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है कि उनके फॉर्म भरने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। इस मांग को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है कि जो अंतिम तिथि 12 तारीख है उसको बढ़ाया जाए, जिससे सभी छात्रों को पर्याप्त समय मिल सके, जिससे कि वो अपना परीक्षा फॉर्म भर सके। सहराई निवासी एक मासूम को लाइफलाइन एक्सप्रेस में मिली जीने की नई उम्मीद।
बता दें कि सहराई निवासी इस मासूम के हाथ के पंजे की सभी उंगलियां चिपकी हुई थीं, जिसका पिछले वर्ष अशोकनगर में लाइफलाइन एक्सप्रेस में दो उंगलियों का ऑपरेशन हुआ था और उन्हें अलग कर दिया गया था, जिसके बाद इस मासूम के पिता को आश्वासन दिलाया गया कि वह अगली बार जब भी लाइफलाइन एक्सप्रेस आए उसमें उंगलियों का ऑपरेशन करा लें। वहीं आज इसके पिता ने लाइफलाइन एक्सप्रेस में बच्चे के पंजे का ऑपरेशन कराया, जिससे अब उसकी सभी उंगलियां अलग अलग हो गई हैं। बच्चे के पिता ने बताया कि हाथ चिपका होने की वजह से बच्ची का भविष्य खराब हो सकता था। वहीं लड़की के पिता ने लाइफलाइन एक्सप्रेस चलाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। साबित हो रहा है महाराज का ये कैंप, अब तुम इन सब से बोलना, तुम इधर खड़े हो जाओ और इन सब से बात करो। बेटा ऐसे ही कर ले, मेरी बच्ची के जो हाथ जुड़ा हुआ था तीनों उंगलियां, तो अगली बार अशोकनगर जब लाइफ लाइन आई तो मैंने ऑपरेशन अशोकनगर करवाया महाराज साहब की कृपा से लाइफ लाइन में। फिर जब अशोकनगर एक उंगली का ऑपरेशन हुआ तो वहाँ बोला कि अगली बार कहीं भी लाइफ लाइन आए गुना या अशोकनगर या सीपरी तो आप वहाँ चले जाना, आपका जी दूसरी बार ऑपरेशन दूसरी उंगली का भी हो जाएगा। अच्छा, एक पहले हो गया और एक होगा तो आप क्या? मैं मेरी बच्ची का जी हाथ की वजह से भविष्य खराब था, परेशानी आती दिक्कत शादी वगैरह में, तो अब उसकी दिक्कत नहीं आएगी महाराज साहब की कृपा से, मेरी बच्ची की उंगली ठीक हो गई। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती के उपलक्ष्य में आज सभी कांग्रेस जनों ने स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के चित्र पर फूलमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में जिला अध्यक्ष योगेंद्र लुम्बा, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता, कांग्रेसी जगताप दादा, हरिशंकर विजयवर्गीय आदि बड़ी संख्या में कांग्रेसी जन उपस्थित रहे। श्रीमंत महाराज, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी, युवक कांग्रेस के समस्त, स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया की आज जयंती के अवसर पर समस्त कांग्रेस जनों ने आम नागरिकों के साथ मिलकर के उनके प्रति अपनी पुष्पांजलि और भावांजलि अर्पित की। इस अवसर पर समस्त कांग्रेस जनों ने ये भी संकल्प लिया कि उन्होंने अपना जीवन जिस विचारधारा के लिए से मजबूत करने, अपनी विचारधारा के विपरीत विचारधारा को पराजित करने के लिए जिस प्रकार से अपना जीवन कांग्रेस के लिए समर्पित किया था, उसी विचारधारा को मजबूत करने के लिए हम सब प्रत्येक कांग्रेस जन अपने आप को उसी प्रकार से समर्पित करेगा। उसी के साथ सब कांग्रेस जनों का ये भी मानना था कि उनके पुत्र और हमारे सांसद श्रीमद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस प्रकार से अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए क्षेत्र के विकास के लिए स्वयं को समर्पित किया और क्षेत्र के विकास के लिए नए नए आयाम स्थापित किए और जनता से जिस प्रकार से सतत संपर्क करके उनके सुख दुख दर्द में भागीदारी जताई, उसी प्रकार से हम प्रत्येक कांग्रेस जन भी अपने आप को उसी प्रकार से समर्पित करके उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आशा कार्यकर्ता के साथ एम्बुलेंस चालक के द्वारा की गई अभद्रता के विरोध में आशा कार्यकर्ताओं ने पल्स पोलियो की दवाई न पिलाने का ऐलान किया है। अपने प्रदर्शन स्थल पर आज आशा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान आगामी समय में पल्स पोलियो की दवा न पिलाने की बात भी कही गई। बता दें कि आशा कार्यकर्ताओं के अनुसार कल उसके साथ एक एम्बुलेंस चालक ने अभद्रता की थी, जिसके बाद शिकायत थाने में भी की गई, जिसके बाद धरना स्थल पर सभी आशा उषा कार्यकर्ताओं ने मिलकर यह तय किया कि कोई भी पल्स पोलियो की दवाई नहीं पिलाएगा। Yeah!
तो यह निवेदन करना चाहूंगी कि कल मेरी बहन जो आशा सीमा लोधा के साथ जो घटना होगी, तो सिर्फ प्रोत्साहन राशि के बेस पर ये काम कर रही है, और अगर इस तरीके का अभद्रता का व्यवहार ड्राइवर लोग करेंगे तो हम कब तक करेंगे। और ये शासन को मैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को बताना चाहूंगी कि अगर आशा के अगर ये सारे काम हो रहे थे, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, तो आशा की उत्पत्ति जो हो, तो उस उत्पत्ति के दौरान अगर आज आशा को आप प्रोत्साहन राशि के बेस पर काम करवा रहे, तो ये इस तरीके से कब तक करेंगी। और कल इसके साथ जो दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना को मद्देनजर रखते हुए हम पल्स पोलियो में कोई भी काम नहीं करेंगे। अपने आप ही हुई थी वो तो। फिर उसको रोका किसने था? फिर रोका सुनने में ये भी आ रहा है कि वहाँ किसी लोगों ने पूरी गाड़ियों के पहिए पंचर कर दिए। नहीं, किसी ने नहीं करे पहिए वहिए, तो पंचर यानी उसकी ठीक भी नहीं थी, और दूसरा पहिए निकाला वो भी पंचर निकला। और इन महिलाओं से बोला कि तुम गाड़ी उठाओ, और हमारे से कह रहा है तुम गाड़ी उठवाओ कि ये पहिए दूसरे लगाएंगे, मन के हमसे भैये गाड़ी थोड़ी उठेगी वो। पर उसको पीटा किसने था? हमने दम तो हॉस्पिटल लगाया था, पता नहीं किसने। इसके परिवार जनों को उसने पिटवाया, और कल हमारे परिवार वालों को उसने चार पिटवाया और ले गए और पकड़ के नहीं, और पाटे साइड ले गए नहीं और पिटवाए उसको। तो गांव पे गए थे क्या वो? नहीं, गांव पे वो तो इधर बाईपास रास्ता पे गुना आ रहा था। तुम्हारे परिवार को कब कहां पे पिटवाया? बाईपास रोड पे उसी दिन। नहीं, कल 4 बजे शाम। अच्छा, हाँ। तो ये लोग उनको वो जानते हैं क्या? अब क्या मालूम, वो मुझे कह रहा था कोई ड्राइवर थे, चार लोग थे उसके साथ में, और एक तो उसकी गाड़ी के पास रहा, और चार तीन लोग उसको पकड़ के उठा के ले, उसने बोला भैया मेरे पास है जे ले लेके मारो तो मत, नहीं हमारा बदला तो पूरा हो गया। क्या नाम था उनका जिसको पिटाई लगाई? हरी सिंह लोधा। उनको वो आपके कौन थे? हमारे मामा जी। अच्छा, उनको पीटा? मामा जी के ही थे। और जो पीटने वाला कौन था? क्या मालूम कौन था जी, पीटे थे उन्हें। शिवराज सरकार की सद्बुद्धि के लिए संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने आज किया हवन पूजन। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले आ रहे संविदा कर्मियों ने आज भगवान शिव से शिवराज की सद्बुद्धि की कामना की। वहीं यह भी उम्मीद जताई है कि जब सद्बुद्धि आ जाएगी तो संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे और उनके बारे में जरूर सोचेंगे। इसी को लेकर आज स्थानीय शास्त्री पार्क में शिव मंदिर पर भजन हवन और पूजन का कार्यक्रम रखा गया। सभी भगवान शिवराज आज हम लोगों ने संविदा, सारे संविदा साथियों ने गुना में मध्य प्रदेश सरकार और शिवराज सिंह दोनों के लिए, उनकी सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया है, और यही विनती की है ईश्वर से। आज हमने शिव भगवान से, शिवराज जी के लिए ये विनती की है कि उनकी बुद्धि को ऐसा कर दें कि हम लोगों के लिए वो नियमितीकरण की मांग जो हमारी है वो पूरी करें और लिखकर आदेश दें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का रोष कम होने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक ओर पल्स पोलियो की दवा पिलाने के लिए एएनएम आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने दवा न पिलाने का संकल्प लिया है, वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने भी पल्स पोलियो से दूरी बनाए रखने की बात कही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र हैं जहां पिछले 2 वर्षों से आंगनवाड़ी केंद्रों का किराया भी नहीं दिया गया। वहीं शहरी क्षेत्र की बात करें तो पिछले 8-9 महीनों से किराया भी नहीं दिया गया। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि इतने कम वेतन में घर कैसे चलाएं। इस बारे में शिवराज सरकार को कुछ सोचना चाहिए। बजट के समय में भी इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं सोचा गया। वहीं किसी भी काम में इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगा दिया जाता है। कार्यकर्ताओं में इतना आक्रोश है कि वे आगामी समय में इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन के लिए जारी रख सकते हैं या आगामी समय में भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। होगा। मोदी सरकार हौसले हो, शिवराज सरकार
से और हमको उसमें किसी प्रकार की वो नहीं है, किसी मांगे नहीं होने चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए। अभी मैं जो खास तौर से आया हूँ आप लोगों से निवेदन कर लें कि चूंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर पल्स पोलियो मनाया जाता है, अभी जो कुछ यहाँ पहले चर्चा हुई कि आपकी एएनएम ने जी नहीं किया, तो आप लोग एक बात ध्यान रखें, ना एएनएम अकेले मेरी है और ना तो मेरे लिए पढ़ाई, अपन सभी लोग जो है एक कॉमन कॉज के लिए अपन लोग काम करते हैं सामान्यतः। तो इसमें कब कौन कहां पर कौन असंतुष्ट होता है, कौन की रणनीति कब से बनती है, इसके साथ साथ में अपनी ये सब चीज़ें चलती हैं। कल के बारे में मैं खासतौर से इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता था, अपन 3 दिन मत करो, 2 दिन में निपटा लो। देखिए क्या होगा कि ये मौका बार बार नहीं आता। एक जो बच्चा होता है या महिला होती है जिनकी सेवा के लिए हम लोग बने हैं, उसमें क्या है कि ना वो पर्टिकुलर मेरे होते और ना तुम्हारे होते। अक्सर अपने यहाँ जब बातचीत होती है लोग बात कहने लगते हैं तेरे आंगनवाड़ी केंद्र में मैंने ये काम किया, उसने कहा कि तेरी गर्भवती धरना प्रदर्शन तो 15-16 तारीख तक चलेगा। सरकार से विगत 1 महीने से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा न्यूनतम वेतन करें, हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करें। केंद्र सरकार ने भी अपना बजट पेश कर दिया और हम लोगों पर ध्यान नहीं दिया। राज्य सरकार ने भी बजट पेश कर दिया, हम लोगों पर ध्यान नहीं दिया। बजट में कोई स्थान नहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। सरकार की इतनी कल्याणकारी योजनाओं में हम लोग इन्वॉल्व हैं, काम करते हैं और सरकार ने हम लोगों की बिल्कुल 5,000 में कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं, आक्रोश है कार्यकर्ताओं के, ये सब गुस्से में बैठी हैं और सब कार्यकर्ता विचार कर रही है पल्स पोलियो की ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। एनएम नहीं कर रही, जिस स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी है एनएम वो नहीं कर रही। और दूसरी बात, अभी गांव में तो कार्यकर्ता आई है गांव से, बता रही है 2 साल से उनको आंगनवाड़ी भवन का किराया नहीं मिल रहा और हमारे 8 महीने से शहर में गुना शहर में 7-8 महीने से आंगनवाड़ी का भवन किराया नहीं मिल रहा। आंगनवाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है कार्यकर्ताओं को। मकान मालिक ताला लगाने की बोल रहे हैं कि हम ताला लगा देंगे, कैसे? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं बहुत दुखी हैं। सरकार बिल्कुल हम लोगों की बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। इतनी भीषण महंगाई में 2,500 और 5,000 से कैसे घर चलेगा, जिस समझ में समझ नहीं रही सरकार। ठीक है, अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठी है सब और भूख हड़ताल के लिए भी तैयार। स्थानीय मानस भवन में आज उज्जैन गंगा घाट पर निवासरत श्री श्री 108 मौनी बाबा के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में सभी धर्म विशेष के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर सभी धर्म गुरुओं ने श्री मौनी बाबा के चरित्र का बखान किया। इसके साथ जगतगुरु शंकराचार्य को भी श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इन दोनों धर्म गुरुओं के बारे में बखान करते हुए अलग अलग धर्मावलंबियों ने अपने विचार रखे। सभी धर्मों के धर्म प्रेमियों को इस दुख को सहन शक्ति प्रदान करें। गंगा घाट पर अखंड मौन साधना में रहते वर्ष 60 के दशक में पूज्य श्री द्वारा नरसिंह घाट पर एक मंदिर में रहे बाबा के भक्तों के आग्रह पर गंगा घाट आ गए। बाबा के भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और इसी स्थान पर आश्रम का निर्माण हुआ जो आज मौन तीर्थ कहलाता है। मौन साधनारत बाबा स्लेट पर लिखकर आने वाले भक्तों के प्रश्नों का समाधान किया करते थे। बाबा अपनी कुटिया में ही साधना किया करते थे। बाबा का जन्मोत्सव दिनांक 14 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसमें देश भर से विख्यात कला प्रेमी शामिल होते हैं। बाबा के अनुयायियों ने देश के कई नामचीन नेता कलाकार उद्योगपति हैं, प्रमुखता अर्जुन सिंह, अजीत जोगी, अमर सिंह, दिग्विजय सिंह, सुनील दत्त, रत्नी अग्निहोत्री,
विशिष्ट विभूतियों में श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी, पायलट बाबा महंत व्यासदास जी, दिव्यानंद तीर्थ जी, ज्योतिष सम्राट ऋषभ चंद्र विजय जी महाराज, त्रिपुरा की पूर्व महारानी, ग्वालियर की पूर्व राजमाता श्रीमती विजयराजे सिंधिया रहे हैं। बाबा वर्ष में दो बार जन्मोत्सव एवं गुरु पूर्णिमा पर जनसाधारण को दर्शन देते थे। अंतरात्मा में एक विशेष शक्ति, विशेष ऊर्जा का अनुभव मुझे मिला, अनुभूति आज तक उत्साहित करती है, प्रफुल्लित करती है। इस अवसर पर मैं दोनों ही महान आत्माओं को अपनी ओर से, अपने वर्ग की ओर से, अपने समाज की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि उखराजे अकीदन प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। मान्य सदस्यगण के सामने क्रिस्तीय ईसाई समाज की तरफ से श्रद्धा सुमन मैं समर्पित करता हूं। इसे कहा गया है जीवन की किताब 3 पेज से 3 पेज का किताब है, उसमें 2 पेज ईश्वर द्वारा पहले से लिखा गया है। पहले पेज में लिखा है जन्म, आखिरी पेज में लिखा है मृत्यु, उसके बीच में 1 पेज बाकी है, उसमें हमें लिखना है अपने जीवन के द्वारा। हमारे ये दोनों महान व्यक्तियों ने, मोहन बाबा और शंकराचार्य जी सरस्वती जी के द्वारा अपने जीवन में इस पन्ने में अपने व्यक्तिगत रूप में अलग अलग लिख लिया। मोहन बाबा जी ने आध्यात्मिकता को एक नई दिशा दिया, माउंट रेकर एक नई स्वरूप दिया और हमारे देश को एक नई दिशा की ओर ले गए। आइए बताते हैं कौन है ये मौनी बाबा। परम पूज्य मौनी बाबा विगत 70 वर्षों से मोहन तीर्थ गंगा घाट पर अखंड मौन साधना में रत थे। 60 के दशक में परम पूज्य बाबा ने नरसिंह घाट पर स्थित एक मंदिर पर बिताए। अपने भक्तों के अनुरोध पर मौनी बाबा गंगा घाट पर आ गए। इन भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और उन्होंने इसी स्थान पर आश्रम का निर्माण भी कराया जो आज मोहन तीर्थ कहलाता है। मौन साधनारत बाबा स्क्रीन पर लिखकर अपने भक्तों को उनके सवालों का जवाब दिया करते थे, साथ ही अपनी कुटिया में ही साधना करते थे। बाबा का जन्मोत्सव प्रत्येक 14 दिसंबर को उनके भक्तों द्वारा मनाया जाता था। उनके भक्तों में विख्यात कला प्रेमी, कई नेता जिनमें अर्जुन सिंह, अजीत जोगी, अमर सिंह, दिग्विजय सिंह, सुनील दत्त आदि शामिल हैं। वहीं कई उद्योगपति भी उनके शिष्यों की श्रेणी में आते हैं, साथ ही कई ज्योतिष सम्राट एवं कई मठाधीश भी इनके शिष्य हैं। वहीं कई राजघराने भी उनके शिष्यों से अछूते नहीं हैं, जिनमें ऋषभ चंद्र विजय जी महाराज, त्रिपुरा की पूर्व महारानी, ग्वालियर की राजमाता भी इनके शिष्य रह चुकी हैं। बाबा केवल वर्ष में 2 बार भक्तों को दर्शन देते थे, जिनमें 1 बार उनके जन्मोत्सव के दिन, वहीं दूसरा गुरु पूर्णिमा के दिन। कुछ वर्ष पूर्व उनके भक्तों के विशेष आग्रह पर बाबा प्रति रविवार को 1 घंटा दर्शन दिया करते थे। जब कोई भी अपनी समस्या बताता था तो मौनी बाबा स्क्रीन पर लिखकर उसका उत्तर दिया करते थे। बाबा के बारे में बताया जाता है कि वह सदैव निराहार रहते थे और उन्होंने कभी भी अन्न का सेवन नहीं किया। वहीं उनके आश्रम में आने वाले भक्तों को बगैर भोजन के नहीं जाने दिया जाता था। मौनी बाबा ने 2004 के सिंहस्थ में अपने आश्रम में एक अखंड महायज्ञ का आरंभ भी किया जो आज तक निरंतर चल रहा है। बाबा के अंतिम दिनों में वह विगत 3 माह से बीमार थे। मौनी बाबा अपने भक्तों को वेद पुराण उपनिषद आदि का ज्ञान भी दिया करते थे, साथ ही वह हमेशा अपने भक्तों को जनित के कार्य करने के लिए भी प्रोत्साहित करते थे। इसी कड़ी में उन्होंने राष्ट्र विभूति जटायु सम्मान का प्रारंभ किया जो प्रतिवर्ष उनके जन्मोत्सव पर दिया जाता है। बाबा में आध्यात्म के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना भी थी, जिसके चलते 14 दिसंबर 2016 को विशाल राष्ट्रीय ध्वज भी उन्होंने अपने आश्रम में फहराया था। बाबा ने अपनी अंतिम सांस 3 मार्च 2018 को पुणे के एक निजी अस्पताल में ली। मौनी बाबा ने अपने पूरे जीवन काल में जन कल्याण के विभिन्न कार्य भी किए। बमोरी तहसील के अंतर्गत आज रात्रि आंधी तूफान और हल्की फुल्की बारिश से धनिया और चने की फसल नष्ट हुई। बमोरी तहसील के अनेकों गांव से आज किसान अपनी फरियाद लेकर तहसीलदार रामनिवास चौधरी से मिले और अपनी आपबीती सुनाई, जिस पर तहसीलदार महोदय ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द सर्वे कराकर मुआवजा राशि दिलवाने की कोशिश की जाएगी। बमोरी के गौरखेड़ा, बगेरी, जहारी, पराठ आदि इत्यादि गाँव से आज किसान ने तहसीलदार बमोरी से आकर आवेदन देकर सर्वे की मांग की। जब तहसीलदार रामनिवास चौधरी से इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने सुबह ही पटवारियों को हल्का जाने के निर्देश दिए हैं
और जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनकी रिपोर्ट मंगवाई है। बमोर से अनवर खान की रिपोर्ट। और जो नुकसानी हुई है आपकी जो धनिया उड़ गई है वो सर्वे में जो सही पाया जाएगा उसकी नुकसानी आपको 100% देंगे। मानो किसी बात का इतना बिल्कुल भी नहीं है और जी मानो आप मतलब हम तो मरे मराए रख रहे हैं हमें कुछ मुआवजा दिलवाने की उन्हें सर नहीं मिला हम तो आत्महत्या करके मरूंगा मैं ये नौमत नहीं आप मतलब कहो मिले है ना जब नुकसानी ना मिले आत्महत्या की काहे को करोगे नहीं सर मतलब जैसे हम कई बार नुकसान उगत के बैठे कुछ हमारे लिए मिलता है कुछ करना अब 100% ही नुकसान हो गया तब तो मतलब आपसे आए थे क्या समस्या है। समस्या सर मतलब धनिया चना मतलब खेतों मतलब बिल्कुल भी नहीं बची मतलब 100% ही नुकसान है मतलब किसी बार हो गया। कैसे हुआ नुकसान जी हवा तूफान शाम को मतलब अरे 8 बजे बहुत जोर से तूफान चला मतलब बिल्कुल एक पेड़ भी नहीं होगा बचा। तो आप सभी जोरी से जोरी गांव से सब जोरी से और कौन कौन से गांव में नुकसान है और सर हमारे गांव को तो मुझे मालूम और तो जानकारी नहीं है आगे की तुम्हें हमारे गांव में जो नुकसान हुआ है वो बता रहे हैं। क्या नाम है आपका। मेरा नाम गिरराज गिरराज। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 121वीं पुण्यतिथि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साडा कॉलोनी राधोगढ़ में फुले ब्रिगेड टीम के द्वारा फिल्म वितरित कर मनाई गई जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष रामबाई सैनी एवं अध्यक्षता डॉक्टर मांझी एवं मलेरिया अधिकारी रघुवीर सिंह भील ने की। इसमें सर्वप्रथम अतिथियों के द्वारा सावित्रीबाई फुले के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्वागत के पश्चात सावित्रीबाई फुले के जीवन पर विस्तार से जानकारी है जो सुमन ने दी। अतिथि उद्बोधन में बताया कि हमारे समाज सेविका सावित्रीबाई फुले के जीवन से सीख लेकर नारी सशक्तिकरण में सहयोग देना चाहिए। संचालन करते हुए फुले ब्रिगेड टीम के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश सैनी कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताया तथा कुलदीप कश्यप के द्वारा फुले ब्रिगेड टीम के कार्य की योजना की जानकारी दी गई। अंत में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए गए एवं आभार देवेंद्र सैनी ने किया। इस कार्यक्रम में प्रदीप दीपक कौरी शंकर अनिल हरीश गायत्रीबाई कुशवा हॉस्पिटल स्टाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता फुले ब्रिगेड एवं सैनी युवा संगठन के सदस्य उपस्थित रहे। एक बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं भारतीय इतिहास में। उनके साथ मात्र 11 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया गया और महात्मा ज्योतिबा फुले से जिस समय इनका विवाह किया गया उस समय महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी उनको शिक्षित नहीं किया जाता था। जैसे ही महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ इनका विवाह हुआ इनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया और महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने जो समाज कार्य वो करते थे समाज सुधार के वो कार्य करते थे कई कभी त्रुटियां थी कई परेशानियां थी भारतीय समाज में उसको मिटाने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले जो कार्य करते थे उन्होंने यह पाया कि मेरे अकेले के द्वारा ये जो कार्य किए जा रहे हैं वह करना कठिन है मुझे इसमें मेरी पत्नी का भी सहयोग लेना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने इसके लिए यह निर्णय लिया कि पहले सिर्फ अभी जो भारतीय समाज में सिर्फ पुरुषों को शिक्षा दी जाती है पहले मुझे मेरी पत्नी को शिक्षित करना पड़ेगा। जब वह शिक्षित और से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। डीजीएनए न्यूज में आज बस इतना ही कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार।